जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर ने एक गांव एक गणपति की संकल्पना को साकार करने की अपील करते हुए कहा है कि सबको मिलजुल कर उत्सव मनाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस वर्ष कृत्रिम तालाब में ही प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। वे गणेश उत्सव की पार्श्व भूमि में कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक में बोल रहे थे। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, पुलिस अधीक्षक विजय कुमार मगर, निवासी उप जिलाधिकारी विजया बनकर, उप जिलाधिकारी मीनल कलस्कर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल माकणीकर, पुलिस उप अधीक्षक संजय पुरंदरे मौजूद थे। जिलाधिकारी ने इस दौरान राजस्व एवं पुलिस विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि गणेश उत्सव के दौरान कोई अनुचित घटना नहीं हो। विसर्जन के स्थान पर स्वच्छता, निर्माल्य विसर्जन, लाइट प्रबंधन, बैरिकेड, स्वयंसेवक आदि को लेकर तैयारी करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमाओं का विसर्जन नदी नालों में नहीं होने दिया जाएगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।